वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप पर्ल पॉलीमर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो पर्ल पॉलीमर्स लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि कल यहाँ पे हम लोगों को तेजी देखने को मिली थी, उसी तेजी के साथ आज भी तेजी कंटिन्यूस देखने को मिले, उसी तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आ चुका है स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते कि 30.65 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे देख सकते कि 2.75 पैसे अर्फ है, 10% अर्फ यहाँ पे मूवमेंट बनाता हुआ नजर आ चुका है। कल एक अच्छी तेजी स्टॉक ने पकड़ी थी, उसी तेजी को आज भी कंटिन्यूस देखने को मिला है। मींस प्रीवियस जो क्लोजिंग थी यहाँ पे पर्ल पॉलीमर्स की 27.90 थी, आज ओपन हुआ स्टॉक गैप अप से ओपन होने के बाद एक तेजी देखने को मिली है और तकरीबन 30 लेवल को ब्रेकआउट किया है और 30 लेवल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। तो देख सकते कि मार्केट क्या 51 करोड़ की है। पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए स्टॉक के अंदर तो 25% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 डेज में स्टॉक ने। 1 मंथ में तकरीबन यहाँ पे 17% है, 6 मंथ की भी बात करी जाए तो 40-41% का रिटर्न देता हुआ नजर आ चुका है स्टॉक। जैसे 25 लेवल जो इम्पोर्टेंट थी उसको ब्रेक किया है रिसेंटली और ऊपर जा रहा है स्टॉक। तो वॉल्यूम के ऊपर नजर डालेंगे, वॉल्यूम देखे जाए तो 6,56,000 के वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 196 लाख का ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिला है। बाइंग के लिए 23 लाख क्वांटिटी सॉरी 2,39,000 क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 2,35,000। बाइंग और सेलिंग के जो क्वांटिटी है वो तकरीबन यहाँ पे सेम नजर आ रहे हैं। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक ने जैसे यहाँ पे देख सकते कि हाई लेवल ब्रेक किया है तो और ऊपर तेजी के साथ जा रहा है। मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंटली 30 लेवल के ऊपर सेटल होता है तो और ऊपर जाने के जो चांसेस है बढ़ सकते हैं।